हेलो दोस्तों, थोड़े से पैसों के लिए अगर आप गाड़ी लेने में गलती कर देते हो तो आपको जितने दिन आप उस गाड़ी को चलाओगे तो आप पछताते रहोगे। अगर गाड़ी लेने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो गाड़ी आप यहाँ पे देख लीजिए, दोनों ही पल्सर गाड़ी है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पल्सर 125 नियॉन और ये है पल्सर 150, ठीक है। दोनों ही गाड़ी आपके सामने मौजूद है। ये जो फर्स्ट वाला आप प्लॉट देख रहे हो ये स्प्लिट सीट का है, यहाँ पे आप देख लीजिए स्प्लिट सीट है। और ये वाला पल्सर 150 ABS है, ठीक है। 150 यहाँ पे 125, यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़े से पैसों की फ़र्क है। यहाँ पे देखिए 82,207 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है और यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे पकड़ लीजिए 7,000 रुपया का फ़र्क है, 89,972 रुपीज़। यहाँ से यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए तकरीबन 7,000 थोड़ा कम ज़्यादा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन आप देखोगे तो आपको डिटेल समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सा गाड़ी लेना है और कौन सी गाड़ी नहीं लेना है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर आपके पास कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट कर भी कर सकते हो। अगर आप किसी गाड़ी के बारे में कुछ देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसकी गाड़ी की कीमत है ऑन रोड प्राइस 82,207 रुपया, इसका है 89,972 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। जैसे कि ये जो गाड़ी है स्प्लिट सीट वाला ये नया आया है इसीलिए इसका माइलेज अभी दिखा नहीं रहा है क्योंकि रास्ते में चलेगा, पब्लिक का रिव्यू आएगा उसके बाद ये माइलेज दिखाया जाएगा। अभी देखिए इसका 150 का जो है 65 किलोमीटर इसका माइलेज है, ठीक है। तो ये भी कम देगा तो ज़्यादा नहीं देगा, स्प्लिट सीट वाला जो है ये 65 से कम आप 60 या 62 पकड़ के चल सकते हो। तो अभी आप देखिए जो ये स्प्लिट सीट का जो इंजन है वह ट्विन स्पार्क BS6 कंप्लीशन DTSI इंजन इसमें लगाया गया है, ठीक है। और इसमें जो इंजन दिया गया है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ट्विन स्पार्क DTSI इंजन इसमें दिया गया है। अभी देखिए दोनों गाड़ियों का CC तो आपको पता ही है, जैसे कि ये है वो 124.4 CC की गाड़ी है और ये 59.5 CC की गाड़ी है। दोनों में दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेंडर जो है वो सिंगल सिलेंडर है, दोनों में सिंगल सिलेंडर है। इसमें देखिए जो मैक्स पावर होता है वो यहाँ पे देखिए 12 PS स्प्लिट सीट में 12 PS और 8,500 RPM और इसमें देखिए 150 में 14 PS और 8,000 RPM। तो आप समझ सकते हो कितना फ़र्क है। यहाँ पे देखिए इसका जो मैक्स टॉर्क होता है जिसे हम NM टॉर्क कहता हूँ, तो NM टॉर्क में होता है कि 11 जो यहाँ पे NM टॉर्क दिया गया है 11 NM टॉर्क और 6,500 RPM। यहाँ पे देखिए 13.4 NM टॉर्क और 6,000 RPM। यहाँ पे RPM 150 में RPM कम है लेकिन NM टॉर्क ज़्यादा है, दोनों में RPM इसमें RPM ज़्यादा है इसमें RPM कम है, लेकिन दोनों का PS यहाँ पे PS और NM टॉर्क जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। यहाँ पे देखिए पब्लिक का यूज़र होता है, यूज़र रेटिंग जो होता है ना वो यहाँ देखिए 4.3, यहाँ पे भी 4.3, मतलब दोनों सेम पसंद है। जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो 150 लेना पसंद करेगा। थोड़ी सी गाड़ी की अगर सीट को बीच में से अलग कर दिया जाए इसमें से गाड़ी का कीमत है बहुत कम ज़्यादा हो जाता है तो ये लेना सही नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए दोनों गाड़ी का जो फ्रंट ब्रेक है इसमें भी डिस्क दिया गया है, ठीक है। रियर ब्रेक जो है यानी पीछे का ब्रेक, यहाँ पे देखिए ड्रम, यहाँ पे भी ड्रम, ठीक है। कलर अभी तो इसका नया है नहीं आया, कलर पे आप बिल्कुल मत जाइए, इस गाड़ी का क्या कलर आएगा उसमें आप बिल्कुल मत जाइए क्योंकि गाड़ी आगे जितना चलता रहेगा उतना ही कंपनी कलर बढ़ाते जाता है। अभी यहाँ पे फिलहाल 3 कलर दिया गया है तो ये 3 कलर नहीं, आगे जितना गाड़ी चलेगा उतना ही बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी जो है देखिए यहाँ पे जो स्प्लिट सीट में 11.5 लीटर आप फ्यूल भर सकते हो यानी पेट्रोल भर सकते हो, इसमें देखिए आप 15 लीटर तक पेट्रोल भर सकते हो 15 लीटर। तो आप समझ सकते हो इसका फ्यूल टैंक काफ़ी बड़ा है, 11 यहाँ पे 15 समझ लीजिए 3.5 लीटर इसमें ज़्यादा फ्यूल टैंक दिया गया है। दोनों ही गाड़ी देखिए यहाँ पे कम्यूटर बाइक्स, ये भी कम्यूटर बाइक्स। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप पल्सर की बजाज की गाड़ी लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्प्लिट सीट ना लेकर 150 ले लीजिए, 7 या 7,500 रुपया फ़र्क है तो आपको 150 ज़्यादा बेहतर आएगा क्योंकि उसमें CC भी ज़्यादा है, ठीक है, मैक्स पावर सब कुछ ज़्यादा है तो गाड़ी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
थोड़ा सा कीमत में फर्क है खाली सीट को काट देने से। सोच दोस्तों, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा किया जाता है कि एक ही बाइक को घुमा फिरा के दिया जाता है पब्लिक के सामने। जैसे पल्सर 125 आप नियोन भी ले सकते हो, जो उसका कीमत भी तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये कम है। तो अगर आप स्प्लिट सीट वाला लेना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 150 ले लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अगर आपके पास कोई सवाल और सुझाव है तो नीचे आराम से आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी गाड़ी के बारे में जानना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।